वीडियो लेकर आए हैं जो कि पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने आपको क्या बताया था, मिरर के बारे में बताया था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चंस करने हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ पार्ट टू, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले, सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हमें जानना है क्या है, इसके फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे इस चैप्टर। हाँ, तो हमारे फॉर्मूले हैं ये, ए एन जी इज इक्वल टू बी अपॉन बी जी इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। ए एन जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बी ए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बी जी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लैम्डा ए स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लैम्डा जी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। डब्ल्यू एन जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इधर लिखा होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो इस साइड लिखा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब अगर हमें जैसे इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और सबसे पहले बाद वाला डी और उसके बाद पहले वाला डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू लिखिए, उसके बाद दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। डी मीन्स डायमंड यहाँ पे। अगर इसी को हमें वेलोसिटी के टर्म में लिखना होगा तो वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, वी ऊपर और बी नीचे लिख देंगे। अब इसमें पहला वाला वेलोसिटी के टर्म में यानी वी डब्ल्यू, और अब फिर बाद वाला यानी वी डी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना है तो पहले बाद वाला लिखना है, उसके बाद उससे पहले वाला। स्पीड बनानी है, स्पीड में क्या करेंगे, पहला वाला टर्म लिखेंगे फिर बाद वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए एन जी इज इक्वल टू वन अपॉन साइन सी वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज एंगल इज डिफाइंड एज द इंसिडेंट एंगल, ठीक है, वेयर रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, व्हेन लाइट इज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी क्या दे रखा है, वी ए की वैल्यू दे रखी है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आगे क्या दे रखा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीन्स क्या दे रखा है, एन डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो अगर कोई रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ तो हम क्या लेके चलेंगे, कि रिस्पेक्ट हमारा क्या है, ए एयर 3/2। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, ए एन डब्ल्यू स्पीड के टर्म में, वी ऊपर और वी नीचे लिखेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी के टर्म में पहले ए वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले वैल्यू लिखी उसको, फिर इसके बाद बाद वाली वैल्यू यानी वी ए अपॉन वी डब्ल्यू हमारा फॉर्मूला बन गया। ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2। वी ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। डब्ल्यू आर टी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2। किसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का और ग्लास का रिस्पेक्टिवली, मीन जो वाटर का है वो पहले और ग्लास का बाद में। तो एन डब्ल्यू और एन जी की वैल्यू मुझे रखी है 4/3 एंड 3/2। किसके रिस्पेक्ट में, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया तो हम क्या लेके चलेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में। और पूछा क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, मीन्स एन जी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी डब्ल्यू एन जी की वैल्यू हमसे पूछी गई। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए डब्ल्यू एन जी एन ऊपर और एन नीचे, पहले बाद वाली वैल्यू एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू, और उसके दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, ए हम लिखते हैं। तो ए एन जी की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/2, और ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो ये वाली जाएगी सबसे ऊपर और ये वाली जाएगी इसके साथ, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3×3=9
अपोन टू जरा ए, ये आ गया डब्ल्यू एन जी एंड ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये हमारा डेटा। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट विद व्हेन क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हमें सी की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी ए एन जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन जी इज इक्वल टू 1/sin c, तो 1/sin c की वैल्यू कितनी हो गई 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, रूट टू पर के ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ए एन जी इज इक्वल टू रूट टू, और रूट टू की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है। हमें दो वैल्यूज याद रखनी है अपने कोर्स में, रूट टू की वैल्यू 1.414, अंडर रूट थ्री की वैल्यू 1.732। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं लेंस। हाँ तो हमारे जो फॉर्मूले यूज होंगे लेंस में वो तो कौन से है, पहला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, m इज इक्वल टू i/o इज इक्वल टू v/u एंड p इज इक्वल टू 100/f। इसमें f क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, i हाइट ऑफ इमेज, o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, t पावर ऑफ लेंस। अब कंकेव मिरर की जब बात होगी, इस कंकेव लेंस की जब बात होगी तो यू वी एफ तीनों को माइनस में होंगे और कॉन्वेक्स में यू माइनस में और वी और एफ प्लस में होंगे। ठीक है, जैसा एज यूजुअल हम मिरर में यूज करते हैं। ठीक है सी, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मीन फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है, एफ की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में एफ किस में होता है, प्लस में, यू माइनस में और वी और एफ प्लस में। ऑफ दिस लेंस अ पिन ऑफ लेंथ, पिन की लेंथ जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट की लेंथ, यानी ओ की वैल्यू ये रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर, इज कैप्ट 10 सेंटीमीटर अवे। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, मीन्स यू की वैल्यू जो दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड लेंथ, पोजिशन यानी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और लेंथ मीन्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एफ की वैल्यू कितनी 20, वी की वैल्यू फाइंड करनी है, यू की वैल्यू माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 20 और 10 का एलसीएम 20, 21 जा 20, 10 टू जा 20, कितना हो जाएगा माइनस का 1/20। ठीक है, तो हमारी ये जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस का 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में अगर b की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर आ रही है वो केस केवल एक ही होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मैं अगर आपको रे डायग्राम बना के बताता हूं तो ये फोकस पॉइंट है और इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इसके बीच में, फर्स्ट रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, सेकेंड रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। अब ये बोथ रेज आर जो दोनों रेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम रेस को आगे इंक्रीज करेंगे दोनों के बीच का गैप क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अब हम इनको क्या करते हैं पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा इमेज इस पे मिलेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड मिल रहा है इसीलिए हमें इमेज की डिस्टेंस क्या हो रही है बी की वैल्यू माइनस में मिल रही है। ठीक है, हमारा जो इसके बाद एक टॉपिक और एक पॉइंट और बचा था इसमें लेंथ ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है इसमें इसी क्वेश्चन में, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे i/o इज इक्वल टू v/u, तो i की वैल्यू हमें निकालनी है, o की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 20 एंड u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 2 0 से 0 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट इमेज की 4 सेंटीमीटर और इमेज कहां पे मिल रहा है हमें 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, किस साइड मिल रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज हमें कैसा मिलना चाहिए, ट्वाइस मिलना चाहिए, बताया था 2 टाइम्स 3 टाइम्स या ट्वाइस 3 टाइम्स, कभी बात होगी
तो एक तरफ आई लिखेंगे, दूसरी तरफ ओ, और उसको कितने मल्टीप्लाई करते हैं, आई से तो टू से मल्टीप्लाई, यानी इसको ले आ रहे हैं आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू इज इक्वल टू टू। इससे हमें क्या सॉल्व कर लेंगे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू यू। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ने के बाद, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ऑन ए स्क्रीन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी कैप्ट, ऑब्जेक्ट की मीन्स यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यू की वैल्यू हमें लेफ्ट वैल्यू कितनी, एक्स सेंटीमीटर। फ्रॉम द लेंस ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स यू माइनस में वी, और एफ हमारा किस में रहेगा, प्लस में, तो वी प्लस में, एफ प्लस में, और वी किस में रहेगा, प्लस में, यानी टू एक्स। फॉर्मूला हमारा लग जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 2x, यू की वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का x, 2x और x का एलसीएम 2x, 2x बन जाए x, और ये 2r में 1 अपॉन 2x, 2 बन जाए 2, 2 जा 2, 10 जा, ये कितना जाएगा, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन x, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन आ गई वो कितनी आ गई, माइनस एक्स मीन्स माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमसे और एक पॉइंट पूछा गया था, ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज कितनी है, बी की वैल्यू 2x मीन्स 2 इंटू 30 यानी 60 सेंटीमीटर। अगर हमें नेचर पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, या नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, राइट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी इमेज इमेज का नेचर क्या है, प्लस में है, मीन्स राइट ऑफ द राइट साइड ऑफ द। हाँ, तो हम नेक्स्ट वेयर कर रहे हैं, अपॉन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ऊ की वैल्यू की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, दो टाइप के लेंस, एक कॉन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो रेस को कन्वर्ज करे, और वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर, मीन्स यू की वैल्यू जो गई माइनस 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, पहले हम क्या निकालेंगे, पोजिशन और साइज निकालेंगे, पोजिशन मीन्स बी की वैल्यू। फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 10, वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यू की वैल्यू माइनस पर 25। अब इसमें हमें ये भी ध्यान रखना था कि यू किस में रहता है, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस में, माइनस में, वी और एफ प्लस में, एफ के लिए किस में रहेगी, प्लस में। यहाँ पे इधर आ जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50, 10 5 जा 50, 25 2 जा 50। यहां से जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी, 3 अपॉन 50 यानी 1 अपॉन v इज इक्वल, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये हमारी v की वैल्यू हो गई, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो लगभग कितना आएगा, 16.66 सेंटीमीटर v की वैल्यू। सेकंड पार्ट जो है हमारा साइज, यानी i अपॉन o इज इक्वल टू v अपॉन u। आई की वैल्यू कितनी है हमारी निकालनी है, ओ की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू 50 अपॉन 3 रखेंगे, एंड यू की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 टू जा 50, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टू जा 10 अपॉन 3 मीन्स 3.33 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पार्ट है वो हमारा ड्रॉ द रे डायग्राम, यानी रे डायग्राम हमें फॉर्म कर। तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कैसे हमें बनाना है इस डायग्राम को, तो फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, हमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यानी कुछ डिस्टेंस पे फोकस पॉइंट बनाना है, उसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 2f1, और उससे कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना है, यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट रे हमारी किससे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किससे पास करेगी, सेकेंड फोकस से पास करेगी,
सेकेंड रे हमारी किससे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और स्ट्रेट मूव कर जाएगी, पास थ्रू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमें इमेज मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, A1 B1 विच इज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है, ये हमारा इसका रे डायग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, कितनी दे रखी है, -2.0 डायोप्टर, डी मींस डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, तो पावर जो दे रखी है कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू माइनस का 2.0 डायोप्टर। अब पूछा क्या गया है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कौन से टाइप का ये लेंस है। एफ की यानी फोकल लेंथ हमें निकालना, पहला पार्ट क्या है, फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है एफ, ये किसके लिए है, सेंटीमीटर में फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि मीटर में फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसमें मीटर में फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी। तो 100 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा 2 5, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें फोकल लेंथ किसमें आई है, माइनस में अगर फोकल लेंथ आई है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कंकेव लेंस। ठीक है, कंकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा पूरा आज का पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस से रिलेटेड मेथड्स करवाए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर पूरा मिरर का ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम चैप्टर्स में ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।